योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शारदीय नवरात्रि के एक दिन पहले मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत की। इसमें जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने पुलिस लाइन परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली पूरे शहर का भ्रमण करने के बाद मुख्यमंत्री के संबोधन के साथ जीआईसी प्रांगण में समापन किया जाएगा। डीएम हर्षिता माथुर ने बताया कि शासन के निर्देश पर मिशन शक्ति की रैली का चौथा चरण शुरू हुआ है। इस मिशन शक्ति के चौथे चरण के कार्यक्रम क्रम में 12 विभाग शामिल किए गए हैं, जैसे समाज कल्याण विभाग है और महिला सुरक्षा नोडल और बाल विभाग है। इसी तरह के सभी विभाग शामिल हैं। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जीआईसी ग्राउंड में समाप्त होगी। देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं, पराली प्रबंधन के संबंध में जनपद में सारी तैयारियां कर ली गई हैं और इसमें दो विषय पे प्रमुख रूप से कार्य किया गया है। एक तो जो हमारे कृषक साथी हैं उनके संबंध में उनको जो बताना है, उनकी जागरूकता की गोष्ठियां यहाँ जनपद में कर ली गई हैं, जिससे कि जो पराली का मैनेजमेंट है या प्रबंधन है वो इन सिटू हो या एक्स सिटू हो, यानी कि चाहे वह खेत में किया जाना हो बायो डिकम्पोजर्स के माध्यम से और या फिर किसी बाहर जगह पर ले जाके उसका प्रबंधन किया जाना हो, उसके संबंध में उनको जागरूक भी किया है, बताया भी गया है और जो कृषि संयंत्र इनको दिए जाने उसके संबंध में भी जागरूकता की गई है। देखिए, कल से जो शारदीय नवरात्रों का महोत्सव शुरू हो रहा है उसको लेकर के जनपदीय पुलिस को बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ और अलर्ट कर दिया गया है। जितने भी पंडाल हैं वहाँ पे महिला बीट पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, अन्य भी ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। जो भी भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं वहाँ भी पुलिस की विजिबिलिटी इंश्योर की जाएगी। जहाँ जहाँ रामलीलाओं का मंचन होगा वहाँ से अगर महिलाएं देर रात वापस जाती हैं तो उस पूरे रूट को सैनिटाइज करके वहाँ भी ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। जो प्रोसेशंस के रूट हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज की व्यवस्था कराई जा रही है और आयोजकों के साथ रूट का भ्रमण करके